भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। रतलाम जिले की सभी तहसील, रतलाम शहर, रतलाम ग्रामीण, सेलाना, बाजनाम, राउटी, जावरा, पिपलोदा, आलोट व ताल में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। संपर्क नंबर है 9425046807। शनिवार को 12 बजे के आसपास मिली प्राप्त जानकारी के अनुसार रतलाम के बीजेपी के महापौर प्रहलाद पटेल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो मुस्लिम बहुल क्षेत्र का है। मंच से महापौर कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को भाजपा ने किसी भी योजना से अलग नहीं रखा है, फिर भी चुनाव के समय हाथ कांप जाते हैं। हाथ नहीं कांपना चाहिए। अगर आपने इस मिट्टी में जन्म लिया है तो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने में गर्व महसूस होना चाहिए, शर्म नहीं। आज बहुत से ऐसे धर्मगुरु हैं जो बच्चों को गलत शिक्षा देते हैं, बच्चों के अंदर नफरत डालते हैं। हमें जागना होगा, हमारे घर के बड़े लोगों को जागना होगा, ऐसी शिक्षा से दूर रखें। आपको बता दें कि महापौर के भाषण का यह वीडियो वायरल हो रहा है। रिपोर्ट टीम भारती न्यूज। हमारा एक वार्ड नंबर 31 शबाना खान पार्षद है जो निर्विरोध आई है। करीब 781 तो मेरी आईडी से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाए और माननीय मंत्री जी के अलग बनाए और उन्होंने अपने अपने अलग बनाए। करीब करीब 1700 से 2000 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सदस्य उन्होंने बना दिए और उनका वार्ड आपके समाज के लोग ही वहाँ पे ज़्यादा है। तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अल्पसंख्यक लोगों का जुड़ा है, उनका मन बन रहा है, वो क्यों बन रहा है? आप इतने वर्षों से, कोई तो मुझे लगता है कि 70 साल से 80 साल से रतलाम में रह रहे होंगे आप लोग और आपके पूर्वज यहाँ पे करीब करीब 100-200 साल से रह रहे होंगे। आपने कांग्रेस का शासन देखा, गुलामी का शासन भी आपके पूर्वजों ने देखा होगा, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का शासन आपने देखा, उसमें आपको क्या लगा कभी कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी समाज के साथ या किसी वर्ग के साथ भेदभाव किया? लगा क्या? क्या आपके यहाँ पे आयुष्मान कार्ड नहीं है? क्या प्रधानमंत्री आवास आपके पास नहीं है? हिंदुस्तान में करीब 80 करोड़ जनसंख्या को निशुल्क अनाज का वितरण किया जाता है, क्या उसमें आप पात्र नहीं हैं? तो ऐसी कौन सी योजना है जिसमें मुस्लिम समाज को भारतीय जनता पार्टी ने अलग कर रखा हो? तो फिर चुनाव के वक्त हमारे हाथ क्यों कांप जाते हैं? नहीं कांपना चाहिए। अगर आपने इस मिट्टी में जन्म लिया है, आप इस मिट्टी से प्यार करते हैं, इब्राहिम भाई ने अभी हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए आपसे, तो जो हिंदुस्तान में जन्मा है, जो इस मिट्टी से प्यार करता है, उसको हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने में गर्व महसूस होना चाहिए, शर्म नहीं। और जो लोग इस मिट्टी को अपना नहीं मानते, उन लोगों को आपको भी अपना नहीं मानना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो या चाहे किसी अन्य वर्ग का हो। जो इस मिट्टी से गद्दारी करेगा उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके गांव, शहर, प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।